वेलकम बैक गाइस, दिस इज अभिनव शर्मा फ्रॉम संकल्प अकेडमी। सो आज हम करेंगे 12वां सेक्शन अपना हिस्ट्री का, बुद्धिज्म पार्ट सेकंड में। जैसे कि दोस्तों हमने जैसे कल देखा कि महात्मा बुद्ध का जीवन कैसे था, हाउ फ्रॉम बीइंग सिद्धार्थ टू बीइंग बुद्धा, वो कैसे कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से सिद्धार्थ बुद्धा बनता है, वो पूरी कहानी महात्मा बुद्ध की, वो पूरी जर्नी हमने कल स्टडी की। Guys, today with me, what we will be doing is looking forth कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन कार्य में, अपने जीवन शैली में क्या क्या हमें पॉइंटर्स दिए, किस तरह से हमें उसको फॉलो करना है। एंड एज पर बींग पार्ट ऑफ हिस्ट्री वील बी डिस्कसिंग सर्टन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि UPSC सिविल सर्विसेज में हमारे लिए कार्यरत होंगी, जो हमारे को फायदा देंगी, ऑफकोर्स, राइट। सो वील स्टार्ट विद द वेरी बेसिक थिंग टूडे, वेरी फर्स्ट थिंग टूडे, दैट There are total 4 vocal truths, 4 आर्य सत्य जो कि महात्मा बुद्ध ने दिए, जिसको फॉलो करना बहुत अनिवार्य है, सो दैट यू विल बी आप अपने सक्सेस को, अपने आप को पा पाए। तो 4 वोकल ट्रुथ के आर्य सत्य है क्या, जैसे कि महात्मा बुद्ध यहाँ पे बोला गया है, चयति आर्य सत्यमे, यानी कि 4 ट्रुथ, जो 4 सत्य है जीवन के, जिनको अगर आप विजय कर लिया, जिसके इफ यू आर विक्टर ओवर देम, देन यू आर द विक्टर फॉर द लाइफ, राइट। तो आप जीवन को जीत लेंगे, तो वो क्या है? पहला है दुख। व्हाट इज दुख? दुख का मतलब है डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि इफ आई टॉक अबाउट दुख, दुख का मतलब हुआ आपका डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, किसी चीज से डिससेटिस्फाइड हैं आप, आपको नहीं हुआ, नहीं कर पाए पूरा, अपना कोई एम था जो पूरा नहीं कर पाया, कोई चीज थी जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। नाउ डिससेटिस्फेक्शन, महात्मा बुद्ध कहते हैं डिससेटिस्फेक्शन का रीजन क्या होगा? रीजन होगा तृष्णा, यानी कि उस चीज को पाने का आपका डिजायर, इफ यू हैव डिजायर टू अचीव समथिंग, ठीक है, आपके सामने दुख आके खड़ जाएगा। Now, point is very simple. If you have a burning desire for something और वो नहीं हो पाया, तभी तो आपको dissatisfaction है। Now, someone, हम में से कोई एक engineer wanted कि मैं एक IT firm में, ये company में काम करूँगा, I love coding, of course वो गया, उसको वो satisfaction level नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका desire था, यार मैं ऐसे बैठ के ऐसे ऐसे करूँगा, आराम से सब हो जाएगा, ये चीज़ें मेरे को मिलेंगी, जो हुआ उसका उल्टा था। So, दुख तृष्णा से आता है, डिससेटिस्फेक्शन आपके डिजायर से आती है, तो बेटर इज आप ये डिजायर को ही वापिस कर दो। इफ यू आर एबल टू रिटर्न द डिजायर, अगर आप उस डिजायर को ही बोलो कि मैं नहीं मानता इस डिजायर को, तो आप दुख की सीमाओं से ऊपर उठ जाएंगे, मगर कहना जितना आसान है उतना करना नहीं। तो महात्मा बुद्ध से जब ये कहा गया, तो उन्होंने अपना इस दुख निरोध को किस तरह पाना है उसका उन्होंने प्रोसेस बताया। He told us the process of प्रतिपाद या अष्टमार्ग, मध्य मार्ग या एट फोल्ड पाथ। ये 8 पॉइंटर्स, 8 ऐसी चीजें जो हम अपने जीवन शैली में लगाएं तो सब ये ठीक हो जाए। और ये 8 की 8, जैसे कि हमने कल किया, कल हमने जो देखा वो ये था कि This was the symbol for धर्म चक्र परिवर्तन, और धर्म चक्र परिवर्तन was the first ceremony by the Lord Buddha, महात्मा बुद्ध, और उसमें उन्होंने 8 8-fold path दिया, तो उसको ऐसे ही depict करते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन को एक wheel से करते हैं, जिसके total 8 spokes हैं, 8 total point जो कि आपको बताएंगे कि जीवन का, जीवन में इन चीजों के ऊपर, यानी कि दुख तृष्णा और पे किस तरह से, दुख निरोध से किस तरह से उसके ऊपर काबू पाया जाए। So, We will come across the 8 pointers, that is the Madhyamarg, Ashtamarg, ya Pratipad, ya 8-fold path. We will be talking about that. Now, isme Mahatma Buddha ne Ashtamarg mein jo humko diya, wo the total 8 cheeze. Pehli thi, right belief. Aapka belief bilkul sahi hona chahiye. Right. So, very first comes, and Ashtamarg mein sabse pehla jo aata hai, wo hai aapka right belief. सही विचार, बिलीव से मतलब है बिलीविंग इन कर्मा। यदि आप कर्मों अनुसार करेंगे तो आप कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मा, बुद्धिस्ट बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ, ठीक है, एनीथिंग दैट गोज अराउंड कम्स बैक। सो यदि आप इस सोच विचारधारा के साथ जो कुछ भी आप पोएंगे वही आप पाएंगे, यदि आप इसी के साथ चलेंगे तो आपका वो राइट बिलीव होगा जो आपको कोई गलती करने ही नहीं देगा।
सेकंड पॉइंट आया राइट स्पीच। राइट स्पीच का अर्थार्थ है कि किसी से झूठ ना बोले, किसी के प्रति रूड ना हो, किसी को मतलब अपना अपना गलत व्यवहार ना करें किसी के साथ। तीसरा इन्होंने बोला राइट थॉट। थॉट का मतलब है आपकी इंटेंशन, किसी के प्रति आपकी इंटेंशन क्या है, वो कितनी सही हो सकती है कितनी गलत हो सकती है, वो डिफाइन करेगी आपका राइटनेस। ठीक है, आप इंटेंशंस को बड़ा क्लियर रखें, साफ रखें, सुथरा रखें। देन राइट एक्शंस। एक्शन का मतलब था कि आप तीन चार चीजों से दूर रहें, किसी की हत्या, नॉट किलिंग एनीथिंग, सेक्सुअल डिजायर्स मतलब, एंड स्टीलिंग चोरी ना करें, झूठ ना बोले। राइट एक्शन आपका ये रहेगा। अगर आप इन सब चीजों पे काबू रखते हैं अपने ऊपर तो आप पंचमहाभूतों पे काबू कर पाएंगे। ठीक है, देन फाइनली इन्होंने कहा कि राइट एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप इतने इतने पॉजिटिव सेंस में किसी चीज को पाने की आपकी इच्छा हो, उसके लिए यू ट्राई टू डू एन एक्ट समथिंग, आप उसके लिए पाने की आप इच्छा रख रहे हो। देन मोस्ट ऑफ अस आउट हियर आई बिलीव आप लोग प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, डज नॉट मैटर हाउ डिफिकल्ट द पेपर माइट कम, हमारी वो पाने की इच्छा है, हमें वो करना है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अभी तक के पॉइंट्स को अगर क्लियर करूं तो देखिए राइट बिलीव इज हाँ मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, यस आई विल बिकम अ सिविल सर्वेंट, ये होगा मेरा राइट बिलीव। राइट स्पीच मेरी क्या रहेगी, मैं अपने जब डिबेट्स करता हूँ या उसमें मेरा कितना पॉजिटिव सेंस में रहता हूँ। राइट थॉट इवन डिस्पाइट एनीथिंग, ठीक है मेरी थिंकिंग बड़ी क्लियर है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, आई विल बिकम अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, और मेरा थिंकिंग के जितना मैं डिस्कस बाकियों के साथ करूंगा मेरा उतना ही ज्ञान अर्जन होगा, उतना ही मेरे पॉइंट्स भी खुलेंगे जितना मैं डिस्कस करूंगा, यस। और फिर राइट एक्शन, मैं ये सोच रहा था अभी तक वो मैंने किया, मैंने किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाई। हाँ, मेरे पास कोई पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा मैं बिल्कुल करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा हाय मेरे नोट से मैं नहीं पता था। ठीक है, एंड देन राइट एंडेवर हो जाएगा कि डिस्पाइट बीइंग एनीथिंग आई कम अक्रॉस, मेरी इच्छा टू बिकम अ सिविल सर्वेंट बिल्कुल क्लियर है और मैं उस विचारधारा में बिल्कुल क्लियरली काम करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहले बेसिक आपके पांच पॉइंट। अब तीन अलग पॉइंट जो बचे हैं उसमें आता है सबसे पहले आपका राइट कलेक्शन। अब कलेक्शन किसकी, मेमोरीज की। अगर आपकी मेमोरीज ही पॉजिटिव ना हो, अगर आपकी मेमोरीज नेगेटिव हो गई तो आप किस तरह पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, आपको दुख का सामना करना पड़ जाएगा। तो अच्छा है जो बुरा वक्त है या बुरी चीज है उनको बुला दो और पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ो। तो राइट कलेक्शन ऑफ मेमोरीज इज इंपॉर्टेंट। देन राइट लाइवलीहुड, यानी कि ऑनेस्ट ईमानदारी से कमाओ जो भी कमाओ, और कुछ भी गलत ना करो, कोई बाय लॉ ना लगाओ, कोई ऐसा कोई गलत काम ना करो जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप हथियार ना बेचो, आप देखेंगे कि मोस्टली क्योंकि बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट कामनेस, शांति का ये हमारा धर्म है, तो हथियार बेचना, इंटॉक्सिकेटिंग नशीले पदार्थ बेचना या जहर बेचना बिल्कुल मना है। तो राइस तो ऑनेस्ट अर्निंग आप करेंगे, ईमानदारी से आप काम करेंगे, ईमानदारी से आप रहेंगे, ये राइट लाइवलीहुड में आएगा। फाइनली राइट मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान की चार स्टेजेस को अपना पाएंगे, वो आप ध्यान जरूर लगाएं, ध्यान लगाएंगे तो आप हमेशा शांति रहेंगे। सो बेसिकली आठ स्टेप्स बताए, इसीलिए इसको मध्य मार्ग या अष्ट मार्ग बोलते हैं। अब बात है कि हाउ टू रिमेंबर दीज एट स्टेप्स। सो हाउ आई हैव रिमेंबर इज दैट आई नो दैट इफ आई टॉक अबाउट मैंने किस तरह याद किया, तो मैंने अपना जो शॉर्टकट लगाया वो ये था कि यार बुद्धिज्म जो है कामनेस यानी शांति रखने की बात करता है, शांति प्रिय रहने का। तो अष्टमार्ग यही रास्ता हमको दिखाता है, तो ये बस्ता भर के हुआ ना, देखे BSTA बस्ता ए सी एल और एम, यानी कि अगर मैं बोलूं BSTA बस्ता ए काम, कामनेस बस्ता भर के कामनेस जो है वो अष्ट मार्ग में आ जाती है। राइट बिलीव, राइट स्पीच, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट एंडेवर, राइट कलेक्शन, राइट लाइवलीहुड एंड राइट मेडिटेशन। तो इस तरह मुझे ये सब कुछ याद हो जाता है। सो अष्ट मार्ग, एट फोल्ड पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, द ओनली वे जिससे आप दुख निरोध कर सकेंगे, अपने आप को खुश रख सकेंगे।
देन देयर आर सर्टेन सिंबल्स इन बुद्धिज्म जो कि हमने कल भी हमने जब हमने चैप्टर किया जब आपने वीडियो भी देखा होगा तो उसमें कल के वीडियो में आपको चैप्टर्स दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला मैं आपसे बात करूं बर्थ ऑफ बुद्धा, जब बुद्धा लुम्बिनी में जब इनका जन्म हुआ तो बर्थ ऑफ बुद्धा से जुड़े कुछ बातें। सिंबल लोटस और बुल आता है। अब ये लोटस और बुल आप ये देख सकते हैं कि लोटस के पंखुड़ी बनाई हुई है। सबसे प्लस ये सिंबल्स आपको दिखते कहाँ हैं? होप मोस्ट ऑफ यू माइट हैव गॉन टू अ मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री में जब हम देखते हैं तो ये सिंबल्स हमें बहुत कॉमनली दिखाई देंगे। आप देखेंगे तो आपको ये सारे सिंबल्स मिलेंगे और इनका हर किसी सिंबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। सेकेंड है महाभनिष्कर्मा। व्हाट वॉज महाभनिष्कर्मा? इट वॉज द टाइम व्हेन सिद्धार्थ फाइनली डिसाइडेड टू लीव फॉर वैशाली। वैशाली की तरफ निकल जाते हैं, वैशाली की तरफ सिद्धार्थ निकल गए। कंटक उनका घोड़ा था और चन्ना उनका सारथी था। चन्ना वॉज ए सारथी और घोड़े का नाम था कंटक, वॉज इज हॉर्स, जिसपे ये अपनी रियासत से वैशाली की तरफ निकले और वैशाली से सन्यास के लिए कि ये अब फाइनली सब कुछ छोड़ जाते, तो उसको बोलते हैं महाभनिष्कर्मा या महाभनिष्कर्मणा। ठीक है, सो इसको डिपिक्शन नो डाउट घोड़ा जो कि कंटक, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक ये सिंबल है जो आपको मिलेगा। तीसरा है निर्वाण। निर्वाण को क्या? निर्वाण इस जब 48 दिन इन्होंने अपना तप किया, कहाँ किया? बोध गया में महात्मा बुद्ध ने अपना तप किया। 48वें दिन सुजाता नाम की लड़की इनको एक खीर देती है, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता लगेगा, खीर देती है जिससे इनको एनलाइटनमेंट होती है। 48 दिन के जो इन्होंने अपना तप किया, क्यों किया था? क्योंकि इनके दो गुरु इन्होंने पहले धारे थे, जिसका एक का नाम था अधरकल्मा और रुद्र रामपुत्रा। वैशाली में दो सन्यासियों को इन्होंने अपना गुरु माना था जो इनको छोड़ के चले गए थे एक ही दिन में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सुना था कि व्रत रखने से, फास्टिंग से मेरे को ज्ञान की प्राप्ति होगी। सो ही फास्टेड फॉर 48 डेज, ध्यान भी लगाते हैं। उसके बाद 48वें दिन एक लड़की सुजाते देखती है कि महंत कहीं मर ना जाए, तो उनको एक खीर देती है जिसको खाते इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया में ये एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे जो कि एक पीपल का ट्री था, पीपल का पेड़ था, और नदी जिसके किनारे थे वो थी रिवर निर्जर। रिवर थी निर्जर जिसके किनारे बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सो इसका जो डिपिक्शन दिया गया वो है, इसका जो सिंबल है वो है बोधि ट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे इस इमेज में एक आपको बोधि ट्री दिखाई देगा और ये बोधि ट्री, ये जो बोधि ट्री है इसके नीचे एक थ्रोन भी है यहाँ पे अगर देखें, यानी कि ये डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे कि किस तरह से एक राजा जिसको बनना था वो किस तरह से एक महायोगी बन गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ये पूरा सफर दिखाते हुए। धर्म चक्र परिवर्तन, इनका पहला सरीमन, इन्होंने पहली बार सारनाथ अपना ज्ञान होने के ज्ञान मिलने के बाद पहली बार जब ये सारनाथ जाते हैं, सारनाथ जाकर के जो कि इस वक्त आज के टाइम में अपने काशी के पास साथ में है, वाराणसी के साथ में है, और वहां पे जाकर के ये अपना पहला उपदेश देते हैं, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। डिपिक्टेड बाय अ व्हील विच शोज द एट फोल्ड पाथ, यानी आठ स्पोक्स के साथ ये पेड़ जो हमें दिखा, ये व्हील जो हमको दिख रहा है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं ये व्हील जिसमें आठ पूरे इसके स्पोक्स हैं जो कि आठ अष्ट मार्ग को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। देन फाइनली फाइनल जो इनका रहा वो था महापरिनिर्वाण, अच्छी की उम्र में खुशी नारा, उस समय का मल्ला रिपब्लिक में इनका देहांत होता है और ये समा जाते हैं, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, विच इज डिपिक्टेड बाय अ स्तूप। सो हियर इज अ स्तूप जो इनकी डिपिक्शन में आता है। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंबल्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अदर थिंग्स इन बुद्धिज्म, दैट इज तीन स्टेप बताए गए सेल्वेशन यानी मुक्ति पाने के, और चार आर्यगण यानी कि चार नोबल वर्च्यूज। स्टेप्स है शील, समाधि और संबोधि, यानी कि शील का मतलब, जब आप शील मतलब अगर इफ आई कंपेयर महाभनिष्कर्मा, जब एक इंसान सोचता है कि मैं आगे निकलूंगा, मैं छोड़ करके त्याग करके सब आगे लगूंगा। समाधि इज काइंड ऑफ
नॉट टू बी एग्जैक्ट निर्वाणा, बट हाँ एक टाइप का निर्वाणा आप देख सकते हैं कि उसको ज्ञान की प्राप्ति होने लगी. एंड संबोधि निर्वाणा में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ही गेट्स द नॉलेज, ही गेट्स द नॉलेज या ज्ञान इसको मिला. बट संबोधि का मतलब हुआ जब इनका जो ज्ञान लेवल है ही इज एनलाइटेंड. When he is totally enlightened, when he gets संबोधि मतलब बुद्ध के बराबर हो जाएंगे, तब उस स्टेप को बोलेंगे संबोधि, यानी कि वो बुद्ध के बराबर हो गए. सो अभी अगर मैं बात करूं तो दलाई लामा, ठीक है आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं. फोर आर ए गन्स, ये चार वर्च्यूज, नॉबल वर्च्यूज होना बहुत जरूरी है. ये चार वर्च्यूज होंगे तब आप जाकर के एक अच्छे अनुयायी बनेंगे बुद्ध धर्म के एज पर महात्मा बुद्ध. सबसे पहला है मैत्री. मैत्री मतलब, मैत्री का मतलब हुआ फ्रेंडशिप, हर किसी के साथ एक दोस्ती, फ्रेंडशिप होना चाहिए आपके पूरे स्वभाव में. एवरी एनिमी यू मस्ट नॉट एनवी, नॉट टू एनवी एनी पर्सन, ठीक है. किसी भी इंसान से कोई एनवी नहीं करेंगे आप, उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे आप, हर किसी को एक ही भावना से देखेंगे, मैत्रिक भावना से, कि हाँ ये मैं इसकी मदद करने के लिए आई विल बी ऑलवेज बी देयर, मैं हमेशा इनकी मदद करूंगा, किसी की भी मदद करूंगा. सेकंड है करुणा. करुणा का मतलब है प्यार यानी स्नेह. आप हर किसी को एक बहुत प्यारी प्यार भरी नजर से देखेंगे, चाहे वो आपका एनिमल है या आपका ह्यूमन है. Everyone has got a soul. हर किसी में आत्मा है और वो आप उसी की रिस्पेक्ट करते हुए हर किसी से करुणा से, प्यार भाव से, ठीक है. कौन से भाव से? प्यार भाव से आप हर किसी की मदद करेंगे, प्यार भाव, ठीक है. So करुणा का मतलब. Then तीसरी चीज मुदिता. मुदिता के साथ मैं आपको एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोलूंगा. आई होप हम में से कई सब लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी, है ना. सो थ्री इडियट जो थी मूवी, इसमें एक सीन आता है जहाँ पे रणछोड़ दास के यानी कि अपने आमिर खान के जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि हमें लगा कि रणछोड़ वो फेल हो गया, लेकिन दुख तब होता है जब अपना फ्रेंड फर्स्ट आ जाता है. जब अपना फ्रेंड फर्स्ट आ गया तो सबसे ज्यादा दुख होता है. मुदिता का मतलब है टू बी हैप्पी इन अदर सक्सेस, टू बी हैप्पी इन सक्सेस ऑफ अदर्स, ठीक है. आप दूसरे के सक्सेस में खुश रहें, उसके सक्सेस को देख के आपको खुशी मिले, वो होता है मुदिता. अगर आप ऐसा कर गए, यस आपने एटफोल्ड पाथ को किया, आपके डिजायर्स आपने सब काबू कर लिया. एंड फाइनली उपेक्षा, जब आप ऐसा करेंगे तो उपेक्षा हो जाएगी, आप सबसे हटके दिखेंगे. नो डाउट अ पर्सन जो मैत्री भाव से, करुणा भाव से और मुदित भाव से काम करेगा वो सबसे अलग ही दिखेगा. So, उपेक्षा का मतलब होगा आप यू विल बी टू बी डिफरेंट. और नेचुरल सी बात है, इतना सब होने के बाद यू विल बी डिफरेंट, नो डाउट्स अबाउट इट. सो दिस इज द फोर आर्य सत्य या नॉबल वर्च्यूज, आर्य गंस या नॉबल वर्च्यूज दैट वर गिवन टू अस बाय महात्मा बुद्ध. नाउ देयर आर टोटल सर्टेन फैक्ट्स दैट नीड टू बी डिस्कस्ड अबाउट. वेरी फर्स्ट, जब भगवान की बात करते हैं भगवान की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध एकदम शांत हैं, इसके बारे में कुछ बात ही नहीं की जाती. हाँ ये जरूर माना जाता है कि हर चीज का कॉज और इफेक्ट थ्योरी है, यानी कि कर्मा आपका, एनीथिंग दैट गोज अराउंड कम्स बैक, ये ट्रुथ है कि जो आप करेंगे वही आप बोएंगे, जो आप बोएंगे वही आप पाएंगे. इस थ्योरी पे ये काम करते हैं. हर एक चीज के होने का कुछ ना कुछ कारण है, इस थ्योरी को माना जाता है. और कर्मा और पुनर्जन्म या रीबर्थ की थ्योरी को ये पूरी तरह से माना जाता है. इसके अलावा अगर बात की जाए तो साइलेंस ऑफ क्वेश्चन ऑफ गॉड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब ये ना तो ये बोलते हैं हाँ भगवान एग्जिस्ट करता है, ना बोलते हैं ना भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, साइलेंट है बिल्कुल. सेकेंड पॉइंटर जो इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म या अकॉर्डिंग टू बुद्ध, आत्मा जो है आपके संस्कारों का समूह है, कॉम्बिनेशन है. आत्मा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कार, नथिंग एल्स. आपके जैसे संस्कार रहेंगे उतनी पावन आपकी आत्मा रहेगी, यही महात्मा बुद्ध समझते थे, यही इन्होंने फॉलो अप किया. फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म की अगर मैं बात करूं, बुद्ध ने
संघ को ढूंढा जो कि दुनिया का सबसे पुराने वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड, सबसे पुराने संघों में से एक, ठीक है। इसके अलावा इस संघ, इस ऑर्डर को वुमेन लीड करती थी, वुमेन थी अलाउड। पहली वुमेन जो मैंने आपको पहले बताया वो थी प्रजापति गौतमी। कल के लेक्चर में प्रजापति गौतमी किस तरह से प्रजापति बनी, किस तरह से उसने अपना सब छोड़ दिया राजपाट, वो कहानी रह गई थी, तो वो मैं अभी कंटिन्यू करूंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि बचपन से ही प्रजापति के उनका जो एटीट्यूड था, सामने बुद्ध के कुछ था, सिद्धार्थ के सामने कुछ था, लेकिन अंदर उनके मन में चोर था कि मेरे को राजपाट अपने बच्चे को दिलवाना है। अब होता क्या, महात्मा सिद्धार्थ तो अब बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ बिकेम्स बुद्धा। व्हेन ही बिकेम बुद्धा तो प्रजापति वॉज लाइक हाँ ठीक है, मुझे पता है कि अभी सन्यासी बन गया कुछ। वन डे अ न्यूज कम्स कि बुद्धा इज कमिंग टू लुम्बिनी, यानी कि इनका पैतृक घर जो है वहां पे जा रहे हैं, इनके साम्राज्य में जा रही है। प्रजापति गौतमी डर जाती है कि कहीं बुद्धा वापस आके, सिद्धार्थ वापस आके राजपाट ना ले ले, क्योंकि इसके पिताजी तो जो कह सुदोधन जो है बहुत प्रेम करते हैं, वो इसके ही हक में जाएंगे और सारा राजपाट इसको मिल जाएगा, मुझे जाकर के कुछ करना होगा। सो व्हाट शी डज इज ये कुछ गुंडों को हायर करती है, ठीक है, गुंडे मवालियों को पैसा दिया जाता है कि एक काम करो, बुद्धा अभी यहाँ पे आ रहा है, जाओ उसको खत्म कर दो, खत्म कर दो, ताकि वो कभी यहाँ अपने राज तक पहुंचे नहीं, क्योंकि अगर राजा ने इसको देखा तो राजपाट इसको मिल जाएगा, इसके अजब में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, उसको मारने के, और तुम्हारे को कोई सजा भी नहीं दिलवा देंगे। सो गुंडे जो थे वो चले गए टू किल बुद्धा। होता क्या है, जब वो गुंडे गुंडा लोग जब वो महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचे, तो महात्मा बुद्ध तो अंतर्यामी थे, ज्ञानी थे, वो सब जानते थे। कहते हैं कि उन्होंने उनको सामने खड़ गए, उनको बोला यदि मुझे मारने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मारो मुझे और अपनी खुशी को हासिल कर लो। और जैसे कि कहते हैं कि महान विभूतियों को सिर्फ अंश मात्र उनको छू लेने से आपके सारे पाप दूर हो जाते हैं। द मोमेंट दीज गाइस टच्ड महात्मा बुद्ध दे टर्न्ड, इनको ऐसा लगा कि पता नहीं कि हमने भगवान के दर्शन हो गए हैं, हम बहुत पापी हैं, और वो उनका पूरी आत्मिक तौर पर वो चेंज हो गए और वो साधुओं के बीच में अब महात्मा बुद्ध की प्रेस करते हुए पहुंचते हैं किंगडम के अपने अपने महल के बाहर। और प्रजापति देख के डर जाती है कि यार अब तो बुद्ध को सब पता लग जाएगा कि मैंने ही मारने भेजे थे। बट महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि हे माँ, तू मेरी माँ है, तूने ही मुझे बचपन से पाला, मेरे लिए तू ही मेरी माँ है, तेरी इंटेंशन, तूने कभी मेरे मुंह पे तो कुछ गलत नहीं बोला और तूने कभी कुछ गलत किया भी नहीं, जो तूने किया मेरे छोटे भाई के लिए किया वो ठीक है। ये बात बोल के बोले माँ मैं तो तेरे ऋण को चुका नहीं सकता कभी भी। तो प्रजापति गौतमी जो है वो टूट जाती है, वो कहती है अरे मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। और बुद्ध अब गौतम बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। गौतम जो नाम है कहां से आया, प्रजापति गौतमी के नाम से आया। तो इतना बड़ा सम्मान वो अपनी माँ को देते हैं और उनकी माँ बोलती है कि मैं खुद भी अब बुद्धिज्म को अपनाऊंगी। सबसे पहली औरत जिन्होंने इनके जैसे मैंने बोला इन्होंने अपने राज्य में भी इन्फोर्स नहीं किया, ही वांटेड टू बी सेल्फ एग्जांपल, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। सो महात्मा बुद्ध अब जाकर के पहली जो औरत बनी, जो पहले जो इनके बनी वो थी प्रजापति गौतमी। और फिर फाइनली प्रजापति गौतमी संन्यास ले लेगी, शी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन मॉन्क। कौन बनेगी इनकी, वो बनेगी प्रजापति गौतमी, फर्स्ट वुमेन मॉन्क बनेगी प्रजापति, कौन बनेगी प्रजापति गौतमी। तो गौतमी पुत्र महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, ठीक है। सो जब प्रजापति गौतमी बनती है तो हमारे को एग्जांपल इनका, हमारे को प्रूफ क्या मिलता है, कोटान में आपको प्रजापति मोनेस्ट्री मिलेगी, गौतमी मोनेस्ट्री मिलेगी। कौन सी मोनेस्ट्री मिलेगी, गौतमी मोनेस्ट्री है, कहाँ है, ये है कोटान में। ये इस चीज का प्रूफ है कि पहली औरत, और प्रजापति गौतमी ने विमेन सेल को मतलब किया, विमेन ऑर्डर लेकर आए इस चर्च में, ठीक है, जिससे औरतें और जुड़ी और संत बनी। नहीं, अब संत बन कैसे सकते हैं, सवाल आना, संत बन कैसे सकते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको 15 साल की उम्र चाहिए। इफ यू आर 15 ईयर्स ऑफ एज, आपकी 15 साल की उम्र है तो आप 15 या उससे ऊपर की उम्र है तो आप बिल्कुल वैलिडेटेड है कि आप
क्या बन सके, एक मॉन्क बन सके, ठीक है, एक मॉन्क बन सके। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, मॉन्क बनने के लिए आपको करना क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं है, पहले अपना सर को शेव यानी मंडवाना होगा, उसके अलावा नीले वस्त्र धारण करने होंगे, तीन ज्वेल्स को गाना होगा। वो तीन ज्वेल्स, वो तीन विभूतियां क्या है, मुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण में आने के लिए तैयार हूँ। हे बुद्ध मैं आपकी शरण में आता हूँ, हे धर्म मैं आपकी शरण में आता हूँ, हे संग मैं आपकी शरण में आता हूँ। संग क्या था, वॉज फाउंडेड बाय बुद्ध, वर्ल्ड की सबसे पुरानी चर्च, ठीक है। तो ये चीजें करने के बाद एक इंसान एक बोध भिक्षु बन जाता है। नाउ ठीक है, बोध भिक्षु बन गया, अब इसमें क्या है, संघ का आप किस तरह करते हैं। संघ की सबसे पहली खासियत, संघ जो है, संघ के लीडर्स को इलेक्ट किया जाता था, संघ जो बुद्ध संघ है उसके अभी उसके लीडर को इलेक्ट किया जाता है, यानी कि डेमोक्रेटिकली सर्वसम्मति से देखा जाता था कि कौन प्रधान बनेगा, कौन सबसे आगे आएगा, ठीक है। बाकी चार चीजें अनिवार्य थी किसी भी बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, वो हमेशा उसको कैरी करनी ही होती है। वो चार चीजें क्या है, बेसिकली पहली है भिक्षा पात्र, जिसमें वो पूरी उम्र अपना भिक्षा से ने अपना कार्यलंबन करना है। दूसरा अम्ब्रेला यानी कि छतरी, छतरी किस लिए चाहिए, धूप छाओ में चलना है भैया तो चाहिए छतरी, तो चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट, तो अपने आप को भी करना है। फिर येलो रोब यानी पीले वस्त्र और एक सुई धागा, ये सब सामान बोध भिक्षु के पास आपको जरूर मिलने चाहिए, इसके बिना आप उसको बोध भिक्षु नहीं मान सकते। सेकेंडली इम्पोर्टेंट क्या है, एक बोध भिक्षु एक जगह पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम तीन दिन तीन महीने के लिए रुक सकता है। यदि मानसून या बारिश आ रही तब वो फिर भी रुक सकता है थोड़े टाइम ज्यादा के लिए, लेकिन मैक्सिमम एक जगह पे तीन महीने से ज्यादा वो स्टे नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता। ओवरऑल उसको नॉन वायलेंस, टोटल नॉन वायलेंस सपोर्ट करनी है, और उसका एक ही एम होगा जिंदगी का, वो होगा सेल्वेशन यानी कि मुक्ति की। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही सब, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में दोस्तों में बताएं, और हम और सेशंस लेकर आएंगे आपके साथ डे बाय डे, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आई होप दैट एवरीवन इज स्टेइंग इनसाइड देयर होम, यू आर सेफ, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड टुगेदर वी कैन फाइट कोरोना। दिस इज अ गुड टाइम व्हेन वी कैन स्टडी, व्हेन वी कैन इंप्रूव आवर इंटेलेक्ट लेवल, दैट आई विल डेफिनेटली आई विल से दैट वी कैन इंप्रूव आवर इंटेलेक्ट लेवल, सो आई विल आस्क एवरीवन टू ट्राई इंप्रूविंग आवर इंटेलेक्ट लेवल, नॉट गोइंग ऑन, ठीक है यार मनोरंजन की जरूरत है करें, बट इतने दिनों से मनोरंजन भी हमें परेशान कर चुका है, आई होप, ठीक है। तो प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग टुडे, एंड आई होप दैट आप कल का सेशन भी हमारा जरूर देखेंगे। जय हिंद।